मैं आपको दिखा देता हूँ अपना अपार्टमेंट जो हमने लिया था फ्लोरियानोपोलिस में। ठीक है, ये थी भाई अपार्टमेंट की एंट्री। छोटे होते जा रहे हैं वैसे कमरे, जैसे जैसे हम साउथ में आते जा रहे हैं। तो ये पूरा कमरा था, थोड़ा विंटेज लुक है, अभी सारा दिखाता हूँ। ये बाहर आपका एक लेटने का इसको हैमक हैमक था, वहाँ पे किचन थी भाई बाहर। ठीक है, और ये पूरा घर ही है जंगल, उस तरफ गाड़ी खड़ी है और मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। गाड़ी वाड़ी यहाँ पे, कल बंदर लटक रहे थे। मैरोसेट, क्या क्या नाम था, मैमोरे, यहाँ का कोई लोकल बंदर है, मैमोरेसेट पता नहीं क्या, लोग मेरे को बता रहे थे इंस्टा स्टोरी पे। हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो उस पर मैं अजीब अजीब चीज़ें डालता रहता हूँ जो मेरे को मिलती हैं। तो यहाँ पे लटक रहे थे कल 5-6 बंदर, और यहाँ बिल्ली बिल्ली भी घूम रही थी। और ये अपना बाथरूम था। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कार की पार्किंग और यहाँ पे दरवाजे कैसे खुलते हैं। जो मेन गेट होता है ये मैंने ऐसे डाल लिया क्योंकि बैग में जगह नहीं है, तो मैं इसको गाड़ी में जाके ऐसे का ऐसा रख दूंगा। चले बाजी, नहीं चल रहे बाजी, रोज सुबह उठ के अपना वो टैप चल रहा है देखो इधर। हाँ, बस वो टच नहीं चल रही है बाजी, रोज सुबह उठ के देखते हैं फोन को, क्या पता ठीक हो गया हो। देखो कैसा रूम है, मतलब कितने ड्रॉर है भाई, यहाँ पे ड्रॉर, यहाँ पे 4 ड्रॉर, फिर यहाँ पे ड्रॉर भाई, ये इधर भी ड्रॉर, ठीक है, इतने सारे, इस तरफ भी ड्रॉर, ठीक है, इधर भी है। अब बेड के इस साइड भी ड्रॉर हैं। फिर अलमारी देखो भाई कितनी सारी, कितना विंटेज टाइप का है भाई सारे का सारा। उस तरफ वहाँ भी ड्रॉर, और लाइट जलने का सिस्टम देखो यहाँ पे दे रखा है। थले भी है का? हाँ, थले बीम वाला है का? यहाँ पे भाई पूरा अपना, मेरे उस तरफ भी लाइट जलने का सिस्टम है। अच्छा, ये कम ज्यादा करने का, ठीक है भाई। कैसा सा रूम था ये, ऊपर भी ड्रॉर भाई, यहाँ भी ड्रॉर, मतलब कोई कोना छोड़ा नहीं है ना। इन्होंने छत पे लग दे, छत पे भी ला देने। तो देखो यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी, ये किसी और की गाड़ी है, ये किसी और की गाड़ी है, और ये अपना गेट है। हमको ये रिमोट दे दिया था, अब 2 दबाओगे तो गेट भाई खुल जाता है और कुत्ता बाहर भाग जाता है। कल इस कुत्ते को मैं बाहर ही निकाल के आ गया, इनका पालतू है, और फिर ये कुत्ता वापस आने का रास्ता ढूंढ रहा था। अब यहाँ से ऐसे बैक करके हम गाड़ी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आज हम जा रहे हैं ग्रमादो, कहाँ से, फ्लोरियाना पॉलिस से। ये अपना घर था भाई पीछे, लाल गेट वाला, और पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे रिमोट कंट्रोल से खुलता है घर, मतलब गैरेज खुलता है इसका। तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत नई चीज़ थी कि भाई रिमोट कंट्रोल से खुलता है। उसने, मालिक ने हमको एक रिमोट कंट्रोल 2 दिन के लिए दे ही दिया था कि भाई ये रखो, जब भी गाड़ी अंदर बाहर करनी हो इस रिमोट कंट्रोल से। और हम तो भाई अंदर बाहर ही भी गैरेज में से होते थे रिमोट कंट्रोल से खोल के, मज़ा आता था। ठीक क्यों, अरे नहीं, वो छोटे वाला जो गेट था ना वो बंद रहता था, तो मालिक ने कहा था इसी से अंदर बाहर हो जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज अपने क्रैक का क्या है, क्रैक कल थोड़ा सा इतना बढ़ गया था क्रैक, ठीक है, आज नहीं बढ़ा है, कल दोपहर में बढ़ा था भाई, जब बीच पे खड़ी थी ना तब बढ़ा था। और मैं आपको दिखा दूं पेट्रोल का क्या सिस्टम है भाई। अब इथेनॉल जो हमने डलवाया था 2-3 वीडियो, पता नहीं कितनी वीडियो पहले, पूरा जीरो हो चुका है बिल्कुल, अब बिल्कुल भी एक भी मार्किंग नहीं है, कल खत्म हो गई थी मार्किंग। हम देखो आगे ना उसकी, हमने डलवाया था 15,705 पे, तो उसमें से माइनस कर लें तो 490 किलोमीटर में पूरा खत्म हो गया। अब हम इसमें डलवाएंगे आधी टंकी तक पेट्रोल, मतलब जो असली वाला पेट्रोल होता है, ठीक है, जो इंडिया में यूज करते हैं। यहाँ पे हमने डलवाया था इथेनॉल, असली वाला पेट्रोल डलवाएंगे आधी टंकी तक, फिर देखें कितनी एवरेज कितने लीटर में मिलती है हमको, कि भाई क्या डलवाना फायदेमंद है हमारे, हमें बेनिफिशियल रहता है, राइट। पावर तो खैर पेट्रोल में ही ज्यादा आएगी, पर एवरेज देखते हैं, क्योंकि 100 पे तो इस पे भी पहुंची जाती है, तो हमको कौन से 200 पे चलानी है। तो देख, चलो यहीं पे पास ही में डलवा लेते हैं, कहीं धक्का ना लगाना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे डलवा रहे हैं भाई पेट्रोल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा महंगा है सेंटा कैटरीना में, 5.56 का है यहाँ पे, और हमने 5.2 का भी देख रखा है मतलब असली में। तो 100 रियाल का डलवा के देखते हैं भाई पहले क्या एवरेज वेवरेज निकालता है ये, वरना हाईवे पे देखेंगे पाजी। यहाँ तो महंगा है ना, 5.6 का यार, यहाँ पे 7-8 रुपये महंगा है यहाँ पे पेट्रोल, या फिर इसी पेट्रोल पंप पे महंगा है। या तो नहीं, ये अपना स्टेट को भी कौन नहीं लगा है। अच्छा चलो कोई नहीं, 100 रियाल में देखते हैं कितना आता है। हो ही गया कदम 100 रियाल, तो ये पर्ची ऐसे दी है भाई, इस पे 100 लिखा है, और अंदर हमको पेमेंट करके आनी है 100 रियाल की। भाई यहाँ पे 100 रियाल का पेट्रोल डलवाया, पर कार्ड में पेमेंट करने गया मैं अंदर, देखा आपने तो 103.59 कटे हैं। मेरे को नहीं समझ में आया भाई क्यों है ऐसा। भाई चाबी चाबी मेरे को,
ठीक है ना भाई। कितने लीटर आया बाजी? 17.9 18 लीटर आया लगभग, है ना, 17.5-18। देखते हैं टंकी कितनी चढ़ती है। टंग 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 टंग, आधे से एक ऊपर होगी बाजी। हाँ हुण देखते हैं पावर गड्डी दी। हुण देखते हैं कि इसमें कितनी जल्दी तेल फूकता है। हमने स्टार्ट किया है 16196, ठीक है। और पेट्रोल पंप पे भी एक तरफ से एग्जिट होता है भाई, एक तरफ से एंट्री होती है, तो उस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो उठे चल रहे हैं अभी, हम नो फॉलो पोर्तुगीज हैं क्योंकि। मैं पूछ रहा था इसको, मैंने पूछा कौन सी स्टेट में सबसे सस्ता है। हाँ अपनी तरफ तो करो। तो वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं, ये भी शायद बताना नहीं चाहता। पता तो होगा, हम क्या वहाँ जाके भरवा रहे हैं। हमें पता है चंडीगढ़ में तेल सस्ता है, ठीक है, पंजाब के कंपैरिजन गोवा में। हाँ तो इन्हें क्यों नहीं पता, बताया नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने शर्त लगाई है पाजी से। पाजी कितने रील की लगाए? 10 रील की लगाते हैं। 10 रील की लगाने पड़ेगी। 10 रील की इंडिया का कितने बन जाते हैं? 140। तो मैंने पूछा पाजी मतलब कौन ज्यादा मनी एफिशिएंट होगा, फ्यूल एफिशिएंट नहीं पूछ रहा पाजी मैं, कि किसमें ज्यादा हमको किसमें किलोमीटर ज्यादा मिलेंगे कम पैसों में, इथेनॉल या फिर गैसोलीन। एवरेज की बात नहीं कर रहा मैं। बताओ किसकी तरफ हो आप? गैसोलीन। गैसोलीन में मतलब हमको ज्यादा किफायती पड़ेगा है। चलो देखते हैं भाई, मैं तो इथेनॉल की तरफ हूँ यार, किफायती पन में तो नहीं, वो सस्ता है पर जल्दी खत्म हो जाता है। हम 5.2 के हिसाब से ही लगाएंगे भाई, गैसोलीन का रेट यहाँ ज्यादा था तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर 5.2 ही लगाते हैं बाजी, है ना। भाई यहाँ पे पहाड़ों में बहुत महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे पेट्रोल था 5.8 रियाल का और इथेनॉल था 5.4 का। पाजी महंगा हो गया था और पड़ा गया तो 15-20 लगभग 20 रुपए महंगा हो गया ये इथेनॉल। चलो हमने 50 रील का डलवाया फिर से। तो जो ग्रमादो शहर है ये पहाड़ों में है और हमारी मोबी आ चुकी है अब स्लो लेन में, क्योंकि इसको चढ़ने में दिक्कत हो रही है। और जहाँ पे हमको पेट्रोल भरवाना चाहिए था चढ़ने के लिए, वहाँ पे हमने इथेनॉल डलवा लिया। और जहाँ हाईवे पे इथेनॉल से काम चल जाता है वहाँ हमने पेट्रोल डलवा लिया। तो महंगा पेट्रोल डलवाया आज के दिन, महंगा इथेनॉल डलवाया और महंगा ही एयरबीएनबी बुक हुआ है आज के दिन। बड़ा महंगा चल रहा है अपना, ग्रमादो हमें महंगा पड़ रहा है। ये इस गाड़ी के आगे स्कॉर्पियो भाई अभी आती है, दिखाता हूँ मैं। पाजी ने 5 महीने हो गए ना यहाँ पे स्कॉर्पियो नहीं देखी। कभी भी नहीं, स्कॉर्पियो का सवाल ही नहीं उठता यार, थे है नहीं है कंपनी, है नहीं है अपने महिंद्रा कंपनी कैसे आ गई। भाई ये वन वे लेन है और कम से कम 50 किलोमीटर से वन वे लेन पे चला रहे हैं और यहाँ पे आ गया टोल। समझ से में नहीं आ रहा मेरे को। नहीं पाजी यहाँ से तो आगे मत निकालो, मेरे टोल आ गए यहाँ पे। पाजी आना तो नहीं चाहिए था वन वे लेन पे, है ना, पर यार सड़क मतलब ऐसी है कि टोल दे सकते हैं। सड़क है कि बढ़िया जंगलों में से निकाल लो खुल के मतलब। और हमको कैसे पता चले टोल आया है? क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं पाजी, ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ऑटोमेटिका वगैरह लिखा आया। ऑटोमेटिका का मतलब टोल में जो वो फास्टैग वाली लेन होती है। 7.90 है यहाँ पे टोल लिखा तो है। पाजी कैश वाले में लेके चलो, इसमें देखते हैं कितने का है, ठीक है, इसमें कैश वाली पे लेके चलो आप।
आ गया भाई टोल, आ गया सच में आ गया भाई। इतनी पतली लेन रोड पे मैंने नहीं देखा टोल कभी जिंदगी में। 0.90 भाई बहुत महंगा टोल है यार। 7.90 हमें महंगा पड़ रहा है। हां सुबह से महंगा पड़ रहा है गुरमादो। क्या है ऐसा गुरमादो में? देख जाके पता। बाइकर चाहते हैं यार वैसे वहां पर टूर करने फ्री में, सात रील नहीं लगते ये बाइक वालों को। तो इंडिया में भी टोल फ्री है, पर गाड़ी वालों को क्यों है भाई? फिर बाइक वालों को भी लगाई दो फिर तो सही बात है ना। वो सोचते हैं तो कम लगा दो उनका थोड़ा। इतने महंगे महंगे मोटरसाइकिल है ना, कितना गरीब थोड़ी है। ग्रीन है अपनी, ग्रीन हो गई, ग्रीन हो गई। अपना फास्ट टैग कट गया। हम तो कह रहे कैच भी ले लो, सुबह से इतना खर्चा हो ही रहा है। तो पर 8 का टोल था भाई 7.90। तो भाई फाइनली ग्रमादो पहुंच गए हम। और अभी हम जब आ रहे थे ना शहर में से इस, ये तो गांव टाइप आ गया मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, तो भाई ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। अजीब अजीब तरह की दुकानें, अजीब अजीब तरह की बिल्डिंग्स, जैसे हैरी पॉटर में वर्ल्ड में आ गए हूँ। और ये हमारा घर है भाई जो हमने बुक किया है, यहाँ गाड़ी खड़ी है। पर अभी होस्ट का वेट कर रहे हैं भाई, कब तक होस्ट आती है मतलब उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। थोड़ा एयरबीएनबी में ये चक्कर तो रहता है कि आपको थोड़ा होस्ट से कॉन्टैक्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो भाई कैसी सिटी थी यार, पता नहीं इस वीडियो में डालूंगा या अगली वीडियो में, पर बड़ी अजीब सिटी यार। मतलब समझ में नहीं आया मेरे को क्या था कि क्या चीज़ है ये, ऐसी ऐसी बिल्डिंग क्यों बनाई है लोगों ने। अम्यूजमेंट पार्क लग रहा था पूरा सिटी, अम्यूजमेंट पार्क लग रही थी पूरी सिटी, अम्यूजमेंट पार्क लग रही थी। अलग अलग तरह की दुकानें, और यहाँ पे सबसे जो इतने पैसे वेस्ट हुए ना हमारे पेट्रोल महंगा डलवाने में, सारे वसूल हो गए हैं। तो अभी बज गए हैं शाम के 7, ठीक है। और ग्रमादो में हो रही है भाई मस्त ठंड बिल्कुल, अभी कुछ हो रहा है टेम्परेचर यहाँ पे भाई 10 से कम ही हो रहा है मेरे हिसाब से। और एक मस्त पिज्ज़ा रेस्टोरेंट जैसे हैरी पॉटर वर्ल्ड में मैं कह रहा था ना बिल्डिंग्स हैं, वो तो पता नहीं मैं किस वीडियो में दिखाऊंगा, ये पता नहीं यार कब आएगी, ठीक है अलग से है या नहीं। पर एक मस्त पिज्ज़ा रेस्टोरेंट दिखाऊंगा भाई आपको मैं, कि भाई कैसे कैसे रेस्टोरेंट हो सकते हैं यार दुनिया में। इस तरफ इसलिए खड़ा हूँ, लाइट है उस तरफ, बहुत ठंड है भाई। अपनी हुडी डालते हैं कार में, चलो भाई साहब बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। कंबल से बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा था मेरा, पर मैंने कहा छोड़ो आलस अपना चलते हैं, वो चेंज कर लूँ मैं यहीं पे। तो ये है मेरे पीछे भाई वो वाला रेस्टोरेंट जो मैं कह रहा था, पिज्ज़ा प्लेस। मतलब ये कह रहे हैं कि अंदर जाके ना बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है आपका, जो भी मतलब बाहर है उससे अलग दुनिया है अंदर। मैंने कहा ठीक है भाई, पर अंदर की एंट्री जाने की पहली बात बहुत महंगी है भाई, 2000 रुपये, चलो उसको भी साइड में रखते हैं। ये कह रहे हैं आज हम फुल हैं भाई, कि बिल्कुल ही फुल हैं और नहीं हो पाएगा, पेंडेमिक है, 11 बजे बंद करना पड़ता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं कि हम रोड ट्रिप पे ब्राज़ील के, और शायद हम कल चले जाएं ना विज़िट कर पाएँ। तो कहती ठीक है मैं देखता हूँ, देखती हूँ कुछ अरेंज कर पाए। तो एक इंग्लिश बोलने वाली लड़की आती है, मतलब काफ़ी अच्छी लड़की थी भाई, बहुत आराम से प्यार से समझाया भाई कि कुछ कर नहीं पाएंगे। पर मैंने कहा चलो आप ट्राई करो, यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता हूँ मैं। तो ये देखो मेरे पीछे भाई कैसा सा है, ये पूरा लग रहा है ना हैरी पॉटर वाला। चलो कोई नहीं, 2000 रुपये में अनलिमिटेड पिज्ज़ा वगैरह खा सकते हो आप, है तो भाई बहुत महंगा। थैंक यू। बाजी आकी है, आकी ए देखो हुन टीम दी आइटम पेश। तो भाई देखो ये क्या है, ये है एक भाई हैरी पॉटर टाइप थीम पिज्ज़ा का रेस्टोरेंट है। और इसमें भाई ये पोशंस है, मतलब ये एक ना एक तरह से पोशंस है। इसको थोड़ा बाजी यहाँ रखो, पहले प्लेट हटाओ, समझाता हूँ मैं पहले, ठीक है भाई। ये 4 तरह के पोशंस है भाई यहाँ पे, ये आ गए 4 तरह के पोशंस भाई, ठीक है। ये वाला है भाई, आपको जो भी चाहिए ना आपको इस तरफ रखना है, जैसे मेरे को ये चाहिए तो मैं इस तरफ रखूँगा, ठीक है। ये ग्रीन वाला है सॉल्टी पिज्ज़ा के लिए, इसकी सॉल्टी कोई चीज़ चाहिए सॉल्टी तो इस तरफ रखना है, ठीक है भाई। अबे पिंक आ गया, ये है भाई आपका स्वीट के लिए, ये स्वीट रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये है वेजिटेरियन के लिए भाई, कि मतलब अगर कोई वेजिटेरियन है तो यहाँ रख देना, और तो फिर आपको कोई मीट वाली चीज़, मीट वाला पिज़्ज़ा नहीं देंगे, ठीक है। और तीनों रख दिया, मतलब वेजिटेरियन आएगा
और सॉल्टी या स्वीट कोई भी। अब भाई जब आप पूरा सेटिस्फाई हो जाओ तो ये गोल्डन वाला रख सकते हो। पूरे राज्य के फेरे येलो वाला। हाँ तो पूरा खत्म पर रख दे जल्दी। इतना वेट किया है Hello. Hello. Broccoli white caprese. Okay. Yeah. भाई इतने सारे वैरायटी आ गए। मिट्टा मिट्टी आ गए। एक ही मिनट में आ गए। मुंह चबा के मुंह। भाजी आ क्या कर रहे हो? ये देखिए दोबारा। तरह से बन है ब्रेड नहीं था। ये ऐसे कुछ दिए भाई, इनको मुंह में रखो। सोनो की जमान मेरी। कोई फंडा होगा इसका भी भाजी, मुझे पता है। तो ये एक ड्रिंक आई है भाई यहाँ पे, और ज़्यादातर यहाँ पे ड्रिंक्स नॉन अल्कोहलिक हैं, तो सही है भाई क्योंकि यहाँ पे बच्चे फैमिली वगैरह आती हैं, तो ये फ्री है वैसे। लाइटर होगा इसके अंदर पक्का। भाई इसके अंदर लाइटर है, मैंने देखा। ऐसे हाथ रखो। बचपन में नहीं दिखाते थे? ओके अब खा। ओहो ये अच्छा था। यहाँ पे सारे लोग स्टैचू हो गए हैं। हम हॉगवर्ट्स में आ चुके हैं, हैरी पॉटर के बक्से भाई, पर ये हिलते नहीं है, मतलब ये जैसे बुक फिक्स कर रखी है इन लोगों ने। उल्लू है जादू किया है, कोई हिला नहीं सकता। तो भाई खाना खा के आ गए हैं। हालांकि देखो ये रेस्टोरेंट है एक्सपीरियंस के लिए, पिज्जा के लिए आप कहीं और भी जा सकते हो, पर यहाँ पे अनलिमिटेड पिज्जा था 140 पे, फिर उसके ऊपर थोड़ा टैक्स भी लगता है, तो हमारा कुल बिल आया 340 का। भाई इतना महंगा मैंने जिंदगी में नहीं खाया शायद। एक बंदे का 2400 शायद ही मैंने कभी खाया हो, पर ये था एक बार का एक्सपीरियंस था। तो हमने सोचा किसी और जगह जाते हैं भाई, आज थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं भाजी तुसी कह रहे सी, आप कह रहे थे वैसे गरमा दो, अगर अच्छा ना निकला तो उसके ऐसी तैसी कर दूंगा, जो कह रहा है गरमा दो अच्छा है। तो अब क्या कहते हो गरमा दो बारे? भाई बहुत मतलब ये पूरा मेरे को लग रहा है हैरी पॉटर वर्ल्ड है ये पूरा। सारा फैंटेसी। कल सुबह भी दिखाएंगे सारे जो है ना, सारी बिल्डिंग्स कल सुबह भी दिखाएंगे। ये पाजी ने यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है भाई, अभी हम एक दो घंटे के लिए गए। टेम्परेचर चेक करोगे? 10 होगा। इतनी ठंड हो गई पूरी गाड़ी पे, वॉश जम गई है, तो साफ कर रहे थे अभी। यहाँ चक्कूबाज हमें थोड़े से मिले, पर वो चक्कूबाज नहीं थे। तो ये है अपना नेक्स्ट डे ग्रामादो में। कल आपने शायद वीडियो में देखा होगा पिज्जा प्लेस, जो बहुत अजीब सी थी। अजीब सी नहीं मतलब हैरी पॉटर थीम्ड पिज्जा प्लेस थी भाई, बहुत अच्छी थी। बिल थोड़ा ज्यादा आया भाई, पर कोई दिक्कत नहीं है।
और ये था हमारा स्टे ग्रमादो में। बहुत देखो कितना प्यारा शहर है भाई, शहर मतलब टाउन ही कह सकते हैं। तो भाई देखो हमको नहीं पता आज ग्रमादो हम पूरा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, और हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है ना वो है इग्वाजू फॉल्स, जो मतलब कौन से नाइग्रा फॉल्स को कम्पीट करता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो वो है यहाँ से कुछ 1000 किलोमीटर के करीब, तो 1000 किलोमीटर एक दिन में तो जाना मुश्किल है। हम रात को भी ड्राइव कर सकते हैं, सेफ है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम करना नहीं चाहते भाई, 1000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने अपने होस्ट को कहा है कि अगर भाई देखो आज हम ग्रमादो कवर कर लेते हैं तो 12-1 बजे तक अगर हम निकल सके तो हम ग्रमादो से निकल जाएंगे, अपनी कोई बीच में स्टॉप ले लेंगे किसी छोटी सी सिटी में। तो वो कहती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम कवर नहीं कर पाते ग्रमादो, अगर हमारा रह जाता है मतलब थोड़ा थोड़ा हमको लगता है कि हमको एक दिन और रहना चाहिए, तो वापस आके यहीं पे रुक जाएंगे, और कल हम बहुत ज़्यादा सुबह निकलेंगे इग्वाजू फॉल्स के लिए। तो देखते हैं क्या होता है भाई, मस्त है रोड ट्रिप का अपनी यही मज़ा, जहाँ पे जो डेस्टिनेशन पसंद आए वहाँ पे एक्स्ट्रा दिन रुक लो, और जो पसंद मतलब जो सिर्फ स्टॉप के लिए रुको उस पे स्टॉप के सस्ता होटल बुक के सो के अगले दिन निकल जाओ। तो भाई गोप्रो यार मैं रोज़ चार्ज करना भूल जाता हूँ, रोज़ इतना थक जाते हैं ना चार्ज करना भूल जाता हूँ, तो चार्जिंग पे लगा देता हूँ, जब तक पाजी अंदर से आते हैं हो जाएगा थोड़ा बहुत चार्ज। ये शहर में कैसी कैसी बिल्डिंग है, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स है भाई हैरी पॉटर वर्ल्ड जैसी। इसी में आए थे कल हम पिज़्ज़ा खाने, यहाँ पे सबसे फेमस पिज़्ज़ा प्लेस है भाई ये। तो भाई देखो यार ये क्या चीज़ है यार, मतलब भाई ऐसा कॉन्सेप्ट यार इंडिया में आ सकता है कभी, मुश्किल है ना बहुत ज्यादा, बजट बहुत ज्यादा यार, पॉसिबिलिटी नहीं है। देखना भाई, और ये पेड़ के ऐसे देखो भाई कैसा लग रहा है, डरावना सा पेड़, डरावना सा ही है। और ये देखो यार कितनी प्यारी स्ट्रीट है यार, पता नहीं यार दिख रही है नहीं दिख रही, यहाँ पे कैसे कैसे पेड़ हैं लाल लाल। तो पाजी कहते हैं यहीं पे गाड़ी लगाओ पहले आप फोटो खींची जाएंगी, पत्ते देखो ऐसे गिरे हुए हैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे फोटो ही खिंचवा रहे हैं, और होता जैसे फोटो। ये देखो यहाँ पे सारे लाल कलर के हैं, उस तरफ चलते हैं पाजी, आ जाओ पाजी उधर आ जाओ, वो सारे खिंचवे पे पिंक। हाँ तो इस स्ट्रीट में हो गई भाई पूरी फोटोग्राफी, और पाजी का तो आईफोन 11 खराब हो गया। मैं कह रहा पाजी एक बार पोर्ट्रेट लेना है, फिर याद आया अरे पाजी के पास है ही नहीं फोन, फिर मैंने अपने फोन का पोर्ट्रेट खोला भाई। वन प्लस भी ठीक है, ठीक है खींचने में वन प्लस, इंस्टाग्राम तो देख ले। आ जाओ पाजी थोड़ा आगे चल पड़ते हैं, आगे खींच लेते हैं फिर यहाँ से चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो ये है भाई एक और टूरिस्ट प्लेस ग्रमादो में, कुछ नहीं है यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रमादो लिखा, और ये वही हैरी पॉटर टाइप गेट है भाई, इसलिए यहाँ पे सारे लोग रुक के फोटो खिंचवा रहे हैं। हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी अपनी, चलो बाजी ये हमारे साथ प्रोफेशनल फोटोग्राफर है भाई राज भाई। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल पता नहीं क्या बिक रहे हैं, ये एक तरह से कारपेट जैसे हैं, मतलब बड़े हैं पर ये थोड़े, मैंने तो ये ले लिए भाई जैसे टेबल पे रखने के होते हैं ना कप रखने के, तो 4 अलग अलग ले लिए, 10 रील का एक है भाई, तो 140 रुपये पर बहुत सही है यार, मेरे को सही लगा मतलब बिल्कुल सही है अपना, 40 रील में 4 हो जाएंगे। और ये देखो सेम सेम ऐसे ही, पता नहीं कितने के पर लग अच्छे रहे, पर यार कैरी करना मुश्किल हो जाता है फिर इन चीज़ों को ना। देखो भाई बेचने वालों के पास भी क्रेडिट हो, इतनी छोटी सी मशीन है भाई इसमें ही कार्ड लग जाएगा सारा। कमाल है मतलब, देखो यहाँ कार्ड लग गया भाई, गजब।